How are you, Anjali? I good, ma'am. How are you? I'm good. So I heard you bought a new house. Congratulations. Yes, ma'am. Thank you. So, how's the house? Tell me about it. It is nice, ma'am. Big building, 3 rooms, air coming, pet stay. It's nice, ma'am. Okay. Good to hear. Hi, friends. Welcome back to Learning English with Nguru. इस सेगमेंट में हम चीजों को डिस्क्राइब करना यानी उनका वर्णन करना सीखेंगे। By the way, this video is brought to you by Nguru Spoken English app. Nguru offers live classes every day, interactive sessions, expert Nguru teachers, and a certificate from Nguru. So, to continue learning, download the Nguru app from the Play Store today. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. जैसा कि आपने पहले कॉन्वर्सेशन में देखा, अंजलि ने एक नया घर खरीदा है। मगर जब उसकी मैनेजर ने उससे अपने घर के बारे में पूछा, तब वो उन्हें इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाई। लाइफ में ऐसे कई सिचुएशंस आ सकते हैं जिनमें आपको आपके घर का वर्णन इंग्लिश में देना पड़ सकता है, स्पेशली जब आपने एक नया घर खरीदा हो। आज के लेसन में हम अपने घर को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। घर कई तरह के हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अपार्टमेंट यानी फ्लैट, बोट हाउस यानी नाव जैसा घर, बंगलो या बंगला, कैरावैन या कारवा, हट जिसे हम झोपड़ी भी कहते हैं, इग्लू यानी बर्फ का घर, लॉग हाउस यानी लकड़ी का घर, या स्टिल्ट हाउस यानी पैर बांसा घर। जब भी आप अपने घर को डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि आपका घर किस तरह का है। इसके बाद हम ये बताते हैं कि हमारे घर में कितने रूम्स हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कुछ कॉमन रूम्स हैं, बेडरूम यानी जिस कमरे में हम सोते हैं, लिविंग रूम यानी बैठक, किचन यानी रसोई, बाथरूम यानी स्नान घर। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप ये बोल सकते हैं, आई लिव इन एन अपार्टमेंट, इट हैज 3 bedrooms, 1 living room, 1 kitchen एंड 2 bathrooms। तो ये था आपके घर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देने का तरीका। इसके अलावा कई बार हमें अपने घर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में भी बताना पड़ सकता है। इसकी सहायता से हम अपने घर के बारे में और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चलिए कुछ कॉमन पार्ट्स देखते हैं। बालकनी यानी बरामदा, गार्डन यानी बगीचा, टेरेस यानी छत, गैराज यानी गैरेज, बैकयार्ड यानी आंगन। घर को डिस्क्राइब करते वक्त हम कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स हैं, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, ब्यूटिफुल यानी सुंदर, नाइस यानी अच्छा, मॉडर्न यानी आधुनिक, नीट एंड क्लीन मतलब साफ सुथरा, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, स्पेशियस या इनॉर्मस यानी विशाल, टू स्टोरेड यानी 2 मंजिला, कोजी यानी आरामदेह, या लग्जूरियस यानी विलासमय। अभी जो हमने सीखा, इसकी सहायता से हम अपने घर के बारे में लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या फिर उसके बारे में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। तो हमने कई सारे वर्ड्स सीखे, राइट? अब चलिए देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में एक कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ इज तारा'स हाउस? इट्स स्पेशियस। वेयर इज इट? इट इज इन द माउंटेन। इज इट एन अपार्टमेंट? नो, इट इज अ बंगलो। ओके, हाउ मेनी रूम्स डज इट हैव? It has 2 bedrooms, 1 living room and 1 garden.
चलिए ये देखते हैं कि अंजलि को अपने मैनेजर से कैसे बात करना चाहिए था। Hi Anjali. Good morning. How are you? I'm good. So I heard you bought a new house. Congratulations. Yes ma'am. Thank you. So how's the house? Tell me about it. It is very modern. It's an apartment on the fourth floor. It has 3 bedrooms, 1 kitchen, 3 bathrooms and 1 living room. It is also pet friendly. Oh, lovely. You should come visit anytime you want. देखा कैसे अंजलि ने अपने मैनेजर को इम्प्रेस किया। इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। हमने आज जो जो सीखा इसे घर पर अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ प्रैक्टिस करना ना भूलें। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। इस टॉपिक के बारे में सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। डिस्क्राइब योर ड्रीम हाउस, यानी आपके सपनों का घर कैसा होगा। अब जो भी आपने सीखा उसे प्रैक्टिस करें और इंग्लिश में अपने घर के बारे में बात करना सीखें। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक एनगुरु ऐप पर स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से एनगुरु ऐप डाउनलोड करें और हमारे फ्री ट्रायल क्लासेस का लाभ उठाएं।